जय हिंद प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा लेकर प्रस्तुत हूँ। शमशेर बहादुर जी का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश, जो कि अब उत्तराखंड है, में हुआ था। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया है और साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान से आप पुरस्कृत हुए हैं और सम्मानित हुए हैं। उषा जो कविता है उसमें सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे ब्रह्मधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहां सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की काली माँ, पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और है हर काली माँ को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। तो हम अब कविता की ओर चलते हैं। कविता का काव्यांश का काव्य पाठ। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मलदी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। इसके कठिन शब्द देख लीजिए। भोर, भोर का अर्थ है सवेरे से ठीक पहले का वातावरण। आपने अधिकतर सुना होगा गांव में भोर हो गई शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो भोर सवेरे से मतलब है एकदम सवेरा, सूर्योदय के बाद वाली सुबह। नभ, नभ का अर्थ है आकाश। चौका, चौका का अर्थ है रसोई बनाने का स्थान, यानी कि जहाँ पर हम अपना खाना बनाते हैं, रसोई जिसे हम बोलते हैं, किचन भी कहते हैं। किचन से आप स्पष्ट तरह से समझेंगे। हाँ, सिल, सिल मसाला पीसने वाला एक पत्थर का सिल बाट होता है, जिसे सिल बाट होता है, अधिकतर पहले हम यूज़ किया करते थे, अब तो मिक्सी में अधिकतर चीज़ें पीस लेते हैं। सिल, सिल बाट से मसाला पीसते, उसी पर चटनी आदि पीसा करते, तो गांव में अभी भी इसी चीज़ का प्रचलन है। केसर, केसर का अर्थ है एक विशेष प्रकार के फूल का सुगंधित पदार्थ। ये पीले रंग का होता है, इसको जब हम घिस देते हैं ये पीला रंग इससे आता है। मलना, मलना का अर्थ होगा लगाना। नील जल, नील जल का अर्थ है नीले रंग का पानी। जल माने पानी, नील माने नीला, नीले रंग का पानी। गौर, गौर से मतलब है यहाँ गोरा, यानी कि गोरा रंग। झिलमिल, झिलमिल यानी कि चमकता हुआ, झिलमिलाता हुआ। देह, देह का अर्थ होता है शरीर। उषा, उषा का अर्थ है प्रातःकाल। और जादू, सौंदर्य, आकर्षण, अचानक से कुछ हो जाना, जादू हो जाना,
सौंदर्य और आकर्षण टूट पड़ना, ये कठिन शब्द रहेंगे। तो स्पष्ट हो गए होंगे आपको सब कठिन शब्दों के अर्थ। उषा व्यंगधर्मी कवि शमशेर जी की अत्यंत प्रसिद्ध कविता है। शमशेर का काव्य व्यक्तित्व वैचारिक रूप से एक प्रगतिशील कवि का है, लेकिन उनकी कविता शिल्प के स्तर पर किसी इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की कलाकृति की भांति है। प्रस्तुत कविता भी शमशेर के कवि और कलाकार व्यक्तित्व को दर्शाती है। इस कविता में भोर के पश्चात यानी कि सुबह के तुरंत पश्चात पूजा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का चित्रण हुआ है कि जैसे ही सुबह होती है और सूर्योदय होता है उसके बाद सूर्य जो है और प्रातःकाल जो है सुबह की जो छटा है वो किस किस रूप में दिखाई दे रही है उसका बहुत सुंदर चित्रण इसमें कवि ने किया है। आप समझिए, प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले भोर के समय का आसमान नीले शंख जैसा लग रहा था। आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तुरंत का राख से लीपा हुआ चौका, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यानी कि चौका जब लीपा है, जब हमने लीपा उसको, राख से लीपा गया है वो, और अभी वो गीला पड़ा है, गीला है, सूखा नहीं है वो। तो गीले होने पे जो रंग है उसका, तो गीले होने पे जो रंग है वैसा प्रातःकाल उषाकाल दिखाई पड़ रहा है। तो कैसा रंग होता है उस समय? लगभग सलेटी रंग। तो वैसे ही उस समय उषाकाल या भोर दिखाई दे रही है। जैसे तुरंत का राख से लीपा हुआ चौका ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। कवि आकाश में उषा के आगमन के कई बिंब बनाता हुआ बताता है कि उषा काल में ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। दिया हुआ है ना, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई। यहाँ पे कल्पना की गई है मानो, है ना। तो क्या कि बहुत काली सिल किसको कह दिया गया? काली सिल, सिल जो बाट, सिल बाट का भी मैंने जिक्र किया शब्द अर्थ में। तो काली सिल क्या है बच्चों? काली सिल है रात का प्रतीक, रात, है ना। तो बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। काली सिल पर जब लाल केसर पीसा गया और उसे जब धोया तो उस पर जो पीला रंग छोड़ा केसर ने वो प्रातःकाल का दृश्य दिखाई दे रहा है। ऐसा कि रात जा रही है और सूर्योदय हो रहा है, रात जा रही है और सूर्योदय हो रहा है। वस्तुतः यह सूर्योदय के पूर्व आकाश में फैलती हल्की लालिमायुक्त आभा का बिंब है। बिंब से मतलब दृश्य है, ऐसे बिंब की, बिंब योजना कवि ने की है। या किसी, अब क्या कैसा दृश्य बताया जा रहा है कि या किसी बालक ने काली स्लेट पर थोड़ी लाल खड़िया चाक मल दी हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब आप कहेंगे क्या खड़िया चाक, क्या स्लेट? पहले बच्चे जो अधिकतर शुरू में, अब तो नहीं लेकिन शुरू में बच्चे स्लेट पर लिखा करते थे, आप अच्छे से जानते होंगे, पहले स्लेट पर ही लिखना सिखाते थे। स्लेट काले रंग की होती है अधिकतर और उस पर सफ़ेद रंग के चौक से, खड़िया चौक, चौक का इस्तेमाल किया जाता है, चौक से जैसे कि उसमें लिखा हो। तो यहाँ पर क्या, कैसे दृश्य का वर्णन किया है कवि ने? स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, कि काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक से, यहाँ पे बात लाल खड़िया चौक की हो रही है, कि काली रात जा रही है और लाल यानी कि सूर्योदय की लालिमा आ रही है। तो वो लाल खड़िया चौक का प्रयोग इसलिए किया गया है सूर्य की लालिमा पर, कि जैसे कि काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक से किसी ने मल दिया हो, जो वो दृश्य बन रहा है ऐसा वो सुबह का
दृश्य बन रहा है। कवि उषा के इस समय के चित्र को स्पष्ट करने के लिए एक अन्य बिंब या उपमान को प्रस्तावित करते हुए कहता है कि उषा काल में सूर्योदय के समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आकाश रूपी नीले जल में किसी युवती की, कवि का संकेत यहाँ युवती रूपी उषा रूपी युवती की ओर है, इसको उषा का मानवीकरण कर दिया गया है, उषा रूपी युवती की ओर है, गौरी देह यानी कि गौरा वर्ण गोरा शरीर झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही हो। कैसी कल्पना की है, कैसा बताया है कि उषा काल में सूर्योदय के समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आकाश रूपी नीले जल में किसी युवती की, उषा रूपी युवती की गौरी देह झिलमिला रही हो। इस वर्णन के पश्चात संभावनाओं के बाहर निकलता हुआ कवि उषा के इस जादुई परिदृश्य के सम्मोहन के टूटने की बात करता है। कवि ने इतने सारे दृश्य की कल्पना की, इतनी तरह की संभावना बताई कि ऐसा लग रहा है तो, और फिर ऐसा संभावनाओं के जादू के परिवेश में खोया हुआ अचानक से ये महसूस करता है कि जैसे कि इस जादुई परिवेश के समूह से वह टूट रहा है और बताता है कि इस सजीव प्राकृतिक दृश्यों के परिवर्तित होने के पश्चात प्रकृति परिवेश में अब सूर्योदय हो रहा है, जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। विभिन्न दृश्य कवि ने उपस्थित किए और उसके बाद अचानक से पहले रात थी, फिर धीरे धीरे सूर्य की लालिमा दिखाई दी, लालिमा के बाद धीरे धीरे सूर्य पीले रंग में परिवर्तित हुआ, फिर एकदम से दिन निकल आया, सूर्योदय दिखाई दे गया। तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई जादू टूटा, एकदम जादू से रात से दिन हो गया। तो आसमान राख से लीपे हुए गीले चौके और लाल केसर से धुली काली सिल्के जैसा दिखाई पड़ता है। इस बिंब में ग्रामीण स्त्रियों द्वारा भोजन बनाने के पश्चात रसोई की चौके की लिपाई करने तथा सिल पर केसर पीसने की प्रक्रिया का आभास होता है। काले रंग की स्लेट पर लाल खड़िया मलने वाले अनाम बच्चों के नन्हे हाथों से आकाश के दृश्य की तुलना करना दिन की शुरुआत और उजाले को ग्रामीण बालकों के भविष्य से जोड़ती है। ऐसे में आकाश में सूर्योदय का होना नई आशा और उल्लास का प्रतीक बन जाता है और उषा रात्रि के गहन अंधकार और कालिमा को समाप्त कर प्रकाश फैलाने की सूर्योदय की प्रक्रिया की प्रत्यक्षदर्शी बनकर पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो जाती है। सूर्योदय के साथ ही सम्मोहन यानी जादू का टूटना एक नवीन एवं ऊर्जावान बिंब है। तो आपने देखा बच्चों, इसमें अनेक बिंब अनेक दृश्यों के माध्यम से कवि ने उषा होने का बहुत ही सुंदर मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे एकदम रात बीत रही है और घनी रात में से घनी रात्रि को चीरता हुआ सूर्य अपनी लालिमा लेकर उदित हो रहा है। अब आगे देखिए, इसका काव्य सौंदर्य समझ लीजिए। भाषा सहज तथा संस्कृत निष्ठ है। बिंबात्मक भाषा में रचित इस कविता में मुक्त छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है, यानी कि इस कविता में ये कविता छंद मुक्त है। लघु शब्दावलियों के साथ दृश्य शैली का भी प्रयोग हुआ है, यानी कि शैली कौन सी इसमें, दृश्य यानी कि चित्रात्मक शैली, हमारे सामने चित्र एकत्रित हो रहे हैं अलग अलग, तो दृश्य शैली यानी कि चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। एक प्रातः काल के गहरे रंग एवं नमी को राख से लीपा हुआ चौका जैसे बिंब के माध्यम से साकार किया गया है, जो कि राख से लीपा और गीला पड़ा है।
ऐसा बिंब ऐसा दृश्य स्पष्ट किया है। विभिन्न अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग द्रष्टव्य है। जैसे आप देख लीजिए, अलग अलग अलंकार समझ लीजिए। भोर का नभ में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। बहुत काली सिल में उपमा अलंकार का प्रयोग देखने योग्य है। नील जल में गौर दे हिल रही हो तथा स्लेट पर या लाल खड़िया चौक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर क्योंकि कल्पना भी की गई है और के समान भी बताया गया है, तो संभावना में उत्प्रेक्षा और समानता में उपमा अलंकार का प्रयोग है। प्रतीकों का सुंदर प्रयोग। प्रतीक जैसे नीला जल नीले आकाश का द्योतक या गौर झिलमिल देह सूर्य के प्रकाश का द्योतक बिंब है। उषा का मानवीकरण हुआ है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। कथ्य और शिल्प दोनों स्थितियों में कविता अलग प्रवृत्ति को दर्शाती है। कवि शिल्पों के प्रयोग में सचेत है, नए बिंब नवीन प्रतीक और नए उपमानों के माध्यम से कविता नई कांति के साथ सामने आई है। उषा कविता में प्रकृति का परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र का रूप लेकर सामने आया है। शमशेर जी ने प्रकृति की गति को बांधने के लिए अपनी बिंब धर्मिता का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। कवि का चित्रकार मन भी मोम की भांति पिघलकर शब्दों में फैल गया है। कविता की भाषा सहज है, किंतु कविता के अंतर्गत विस्तृत बिंब को सृजन करने के कारण भाषा ध्वन्यात्मक तथा बिंबात्मक बन गई है। देश तथा तत्सम शब्दों के सुंदर समन्वय के साथ कविता कवि ने कविता को अद्भुत गति प्रदान करने में सफलता पाई है। आगे अब हम अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश की भंगिमा में आए परिवर्तनों को किस रूप में देखा है? इसका उत्तर हो सकता है, अंधकार के समाप्त होने पर भोर के नभ के नीले रंग में वैसी ही नमी होती है जैसे राख से लीपा हुआ चौका चूल्हा अभी तक गीला पड़ा हो। कालिमा के छटने पर छितित की लालिमा ऐसी लगती है मानो किसी काली सिल पर लाल केसर का लेप लगा दिया गया हो, उसे पीस दिया गया हो। इस प्रकार सूर्योदय से पहले का आकाश परिवर्तित हो रहा है। अगला प्रश्न, अभी गीला पड़ा है, इससे कवि का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो सकता है, सूर्योदय से पहले के आकाश में नमी होती है, ऐसा आभास होता है कि शाम को भोजन बनने के बाद किसी गृहिणी ने अपने चूल्हे को राख से लीपा हो जो अभी तक गीला है। कवि का आशय है कि भोर के नभ में सजलता का गुण विद्यमान है और भोर का नभ बिल्कुल इस तरह का लग रहा है जैसे कि जब राख से चौके को लीप दिया जाता है तो उसका जो रंग होता है सलेटी सा, वैसा भोर का नभ दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न, काली सिल पर लाल केसर मलने से किस दृश्य का चित्रण होता है? इसका उत्तर हो सकता है, काली सिल पर लाल केसर मलने से सूर्योदय के पहले का दृश्य सामने आ जाता है। जब रात का अंधकार गायब हो रहा है जा रहा है तथा सूर्य की लालिमा क्षितिज पर अपना प्रकाश विकीर्ण कर रही है, तब ऐसा ही दृश्य होता है कि काली सिल पर लाल केसर मल दिया गया हो। अगला प्रश्न, प्रातः काल की नमी को कवि ने किस प्रकार चित्रित किया है? इसका उत्तर इस तरह से देख लीजिए, प्रातः काल की नमी को कवि ने राख से लीपे चौके के रूप में चित्रित किया है। वह मानता है कि सवेरे के समय का आकाश
राख से लीपे चौकी की तरह अभी भी गीला पड़ा हुआ है। सौंदर्य बोध संबंधित प्रश्न देख लीजिए। पहला है, कविता के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। शिल्प सौंदर्य को हम कला पक्ष भी कह सकते हैं और काव्य सौंदर्य भी, इसको मान के चलिए किसी भी तरह से ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, कला पक्ष, शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य। तो उत्तर होगा, शिल्प के स्तर पर कविता विशिष्ट प्रवृत्ति को दर्शाती है। कवि शिल्प उपयोग में सचेत हैं, नए बिंब, नवीन प्रतीक तथा नए उपमानों के माध्यम से कविता एक नई चमक के साथ सामने आई है। पूछा, कविता में प्रकृति के परिवेश में होने वाले परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर सामने आया है। शमशेर कवि ने प्रकृति की गति को बांधने के लिए अपनी बिंबधर्मिता को का कुशल प्रयोग किया है। कवि का चित्रकार मन भी मोम की भांति पिघलकर शब्दों में फैल गया है। अगला प्रश्न, काव्यांश की भाषा पर प्रकाश डालिए। काव्यांश का उत्तर होगा, काव्यांश की भाषा सरल और सहज, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, किंतु कविता के अंतर्गत विस्तृत बिंब का सृजन करने के कारण भाषा ध्वन्यात्मक एवं बिंबात्मक बन गई है और इसमें देशज तथा तत्सम शब्दों के सुंदर समन्वय के साथ कवि ने कविता को अद्भुत गति प्रदान करने में सफलता पाई है। काव्यांश में प्रयुक्त अलंकारों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर, काव्यांश में उत्प्रेक्षा व उपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग दर्शनीय है, जैसे नीला जल हिल रही हो स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, उत्प्रेक्षा अलंकार, बहुत काली सिल, उपमा अलंकार आदि। तो इसमें उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है और उषा का चित्रण किया गया है तो नारी की भांति, तो उसमें मानवीकरण अलंकार भी है। अब आप बोधात्मक प्रश्न देख लीजिए। बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न, कविता के किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? इसका उत्तर इस तरह से होगा, उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने ग्रामीण उपमानों का प्रयोग कर गांव की बहुत ही सुंदर सुबह को गतिशील शब्द चित्र के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया है। कविता में नीले रंग के प्रातःकालीन आकाश को राख से लिपा हुआ चौका कहा गया है। ग्रामीण परिवेश में ही गृहिणी भोजन की पात बनाने के बाद चौका चूल्हा को राख से लीपती हैं, जो प्रायः काफ़ी समय तक गीला ही रहता है। दूसरा पिम काले सिल का है। काला सिल अर्थात पत्थर के काले टुकड़े पर केसर पीसने का काम भी गांव की महिलाएं ही करती हैं। तीसरा बिंब काले स्लेट पर लाल खड़िया चाक मलने की क्रिया ये नन्हे ग्रामीण बालकों द्वारा होती है कि काले सिल पर बालकों द्वारा खड़िया लाल खड़िया चाक मली जा रही हो जैसे। इन बिंबात्मक चेतना में गतिशील शब्द चित्र भी मौजूद है। यहाँ सवेरे अपने कार्यों में लगे ग्रामीण वर्ग तथा जनजीवन की गतिशीलता को स्पष्ट करने वाले प्रतिमान हैं। यहाँ स्थिरता का नामो निशान नहीं है। गतिशीलता इस अर्थ में भी है कि तीनों शब्द चित्र स्थिर न होकर किसी न किसी क्रिया के अभी समाप्त होने के सूचक हैं कि ये सब जो क्रियाएँ हैं दृश्य दिखाए गए हैं वो क्रियाएं की गई हैं जो अभी हो के चुकी हैं। अगला प्रश्न, भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इस कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपरोक्त
पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है समझाइए। इसका उत्तर इस तरह से समझ लीजिए, नई कविता में प्रयोग धर्मिता को महत्व मिला है, भाषा तथा शिल्प के स्तर पर यहाँ प्रयोग धर्मी चेतना दिखाई देती है, अभिव्यक्ति के नए रूपों को जगह देने की प्रवृत्ति मिली है, कोष्ठक का प्रयोग कविता की भाव व्यंजना को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ कोष्ठक में लिखी पंक्ति अभी गीला पड़ा है, वस्तुतः राग से लिपी हुई चौकी की पूरी जानकारी दे रही है। यह आकाश रूपी चौकी की ताजगी एवं नमी की सूचना दे रही है। कविता में एकमात्र विराम चिन्ह आया है, वह भी महत्वपूर्ण दृश्य परिवर्तन की सूचना देने वाला प्रमाणित होता है। विराम चिन्ह के बाद ऊषा का जादू टूटने की सूचना दी गई है। पंक्तियों में बीच के स्थान बिंबों की सार्थकता को स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। शब्द चित्र यानी कि शब्दों द्वारा चित्र बनाइए। इसका उत्तर इस तरह से समझ सकते हो, सूर्योदय नीले विशाल सरोवर से बाहर निकलती तेज आभा मंडल वाली नारी की तरह सुबह का खिलता सूरज अपनी किरणों को काफी कोमल बनाए हुए है, जो शरीर को चुभती नहीं है। आकाश के सारे तारों को उसने बाग के माली की तरह चुनकर अपने दामन में भर लिया है और अपने प्रिय के सामने प्रेम निवेदन करने के लिए आग्रह संबंधी विचार से उसके पूरे चेहरे पर लाली फैल गई है। इस तरह का सूर्योदय प्रतीत हो रहा है। सूर्यास्त कैसा है? सूर्यास्त का सूर्य थका हारा श्रम से धूल धूसरित देह लिए अब विश्राम करने की इच्छा से अपनी दिनचर्या समाप्त कर रहा है। वह धीरे धीरे अपने घर में प्रवेश कर रहा है और उसे निस्तेज देखकर अंधकार को अपनी शूरवीरता दिखाने का अवसर मिल रहा है, जो सुबह के समय डरकर भाग गया था और अब फिर से अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु वापस आने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, भोर के नभ को कवि ने किन उपमानों के माध्यम से सामने रख एक नवीन चित्र उपस्थित करने का प्रयास किया है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस तरह होगा, भोर के नभ को कवि ने राग से लीपा हुआ चौका, नीला शंख, बहुत काली सिल, जरा सी लाल केसर से की जैसे धुल गई हो तथा स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मलदी हो जैसे उपमानों के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। इन बिंबों के माध्यम से अंधकार के समाप्त होते प्रकृति में पल पल आ रहे परिवर्तनों को दृष्टिगत किया गया है। आकाश के लिए इन उपमानों में जल तथा रंग को महत्व दिया गया है। ये उपमान नवीन और मौलिक हैं। अगला प्रश्न, सूर्योदय होने के साथ ही ऊषा का जादू किस प्रकार टूटने लगता है? इसका उत्तर इस तरह से कर सकते हैं, ऊषा काल में प्रकृति का रंग अपने सौंदर्य को विविध रूपों में प्रदर्शित करता है। आकाश अपने रंग रूप में प्रति क्षण नवीन परिवर्तन कर रहा होता है। सूर्योदय के बाद आकाश में सूर्य की तेज किरणें छिटककर अपना प्रकाश बिखेर देती हैं, जिसके प्रभाव से आकाश का नीला रंग मिट जाता है, उसकी आर्द्रता शुष्कता में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार ऊषा का सम्मोहन अर्थात जादू टूटने लगता है। अगला प्रश्न, कवि ने भोर के नभ की पवित्रता, निर्मलता तथा उज्ज्वलता को किन रूप में स्पष्ट किया है? इसके उत्तर को समझ लीजिए, ऊषा कविता में कवि ने भोर के नभ की पवित्रता, निर्मलता
तथा उज्ज्वलता को विविध बिंबों एवं प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया है। राख से लीपा हुआ चौका पवित्रता का प्रतीक है। नील जल में किसी की गौर जल मिलने में निर्मलता तथा काली सिल जरा सी लाल केसर से की जैसे धुल गई हो में उज्ज्वलता का प्रतिबिंब है। भोर के नभ के बदलते सौंदर्य को कवि ने जनजीवन की गतिशीलता तथा मानवीय गतिविधियों में हो रहे परिवर्तनों के रूप में रखा है। अंतिम प्रश्न, सिल और स्लेट के माध्यम से कवि किस प्रकार अपने मंतव्य को प्रकाशित करता है? इसका उत्तर होगा काले सिल तथा काले स्लेट के माध्यम से कवि रात्रि की समाप्ति के साथ जाते हुए अंधकार को प्रतीक के रूप में रखता है। उषा के आगमन के समय आकाश का दृश्य ऐसा है मानो काली सिल को किसी ने लाल केसर से धुल दिया हो या काली स्लेट पर किसी नन्हे बालक ने लाल खड़िया चाप मल दी हो। इस प्रकार कवि सिल और स्लेट के माध्यम से अंधकार की कालिमा तथा प्रातःकाल की लालिमा को सादृश्य के साथ सामने रखता है। इस प्रकार से ये कविता यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको इस कविता का भावार्थ, इसका काव्य सौंदर्य और जो भी प्रश्नोत्तर बताए गए हैं वो सब समझ में आए होंगे। और लेकिन जहाँ भी कोई भी आपको कठिनाई हो उसको आप पूछ सकते हैं, आपकी कठिनाई का निवारण अवश्य किया जाएगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद।